अब दो विभिन्न रेशों के मिश्रण द्वारा धागा निर्माण, तंतु अथवा बुने हुए धागे का निर्माण केवल एक ही प्रकार के रेशे द्वारा सीमित नहीं है। सूती रेशों का पॉलिएस्टर एवं ऊनी रेशों के साथ सम्मिश्रण बहुत प्रचलित है। पॉलिएस्टर के अन्य रेशों के साथ भी विभिन्न अनुपातों में मिश्रण किया जाता है। पॉलिएस्टर एवं सूती रेशों के ब्लेड के बढ़ते उपयोग के मुख्य कारण हैं इनकी आसान देखभाल, धोने एवं पहनने के अनुकूल गुण जो पॉलिएस्टर घटक द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के रेशे टिकाऊ, मजबूत, सिलवट रहित एवं लचीले होते हैं। कालीन के लिए ऊनी एवं एक्रेलिक रेशों का सम्मिश्रण अत्यधिक प्रचलित है। मानव निर्मित रेशों की प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार की कताई की मशीनों में की जा सकती हैं, जिनके बारे में पहले ऊपर बताया गया था। मानव निर्मित तंतु रेशों की लंबाई के अनुसार प्रयोग होने वाली मशीन तय की जाती है। यदि इसकी लंबाई सूती रेशे की लंबाई के अनुरूप होती है तो कताई सूती धागा बनाने वाली मशीन पर की जाती है। यदि इसकी लंबाई और अधिक है एवं ऊनी रेशे के अनुरूप है तो इसकी कताई ऊनी अथवा वर्स्टेड मशीन पर की जाती है। प्राकृतिक रेशों से भिन्न पॉलिएस्टर एवं नायलॉन रेशों की सतह चिकनी एवं बिना किसी सिलवट के होती है और इन रेशों से शुद्ध रूप से अथवा सूती यानी ऊनी अथवा विस्कोस रेयॉन रेशों के साथ धागे बनाने की प्रक्रिया अधिक कठिन होती है। बिना सिलवटों के रेशे एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं और सरलता से उनकी कोडिंग एवं ड्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है। क्रिपलिंग अच्छा रेशा प्रदान करने में और उन्हें बांध कर रखने में सहायता करती है। औसत क्रिप आवृत्ति 0.5 से 6.5 क्रिप्स सेंटीमीटर होती है। क्रिप्स रेशों को बंडलों में बांध कर आगे भेजा जाता है। ब्लेंडिंग के ऊपर बताए गए किसी भी फाइबर प्रोसेसिंग चरण से किया जा सकता है। आरंभिक चरण के समय प्रत्येक रेशे का उपयुक्त भार नापकर सूती रेशों के बीच लगाकर ब्लेंडिंग फीडर में यांत्रिकी मिक्सर तक की आगे की प्रक्रिया के लिए लगाते हैं। ब्लेंडिंग की प्रक्रिया को कटे हुए धागे के निर्माण के दूसरे चरणों में भी किया जा सकता है अथवा कताई की अवस्था में भी किया जा सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राकृतिक रेशों से भिन्न पॉलिएस्टर रेशे साफ होते हैं और उन पर सफाई की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। साथ ही ये सभी एक ही लंबाई के होते हैं और इसलिए इन पर कॉम्बिंग प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती है।